अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 सेवन्थ मैथमेटिक्स में से चैप्टर 5 लिया था परसों, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में इम्पोर्टेंट हमने जो भी टर्म्स थी वो पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। और एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने से पहले हम दो चीज़ें, दो टर्म्स लर्न करेंगे, वो हैं कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसको आज इससे पहले कि हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लें, हम कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को लर्न करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री, सबसे पहले हम जानेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं। तो कम्प्लीमेंट्री में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? If the sum of the measures of two angles is 90, हम इसको लिख भी लेते हैं यहां, if the sum of measures of two angles is 90 degree, they are said to be complementary and each of them is, they are said to be complementary and ye zaruri, and each of them, and each of them is called the supplement of the other. ये है complement of the other, complement, यहां complementary angles हमने पढ़े, तो complement of the other। अगर दो एंगल्स का मेजर उनका सम अगर वो 90 डिग्री के बराबर होता है, दो एंगल्स फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 50, एक एंगल 50 है और दूसरा एंगल 40 है, तो अगर इनका सम हमें मिल के बनता है 90, वो तो बनता है, ये 90 बनता है, तो ये एंगल्स जो हैं ये इनको कहते हैं हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ये एंगल इस एंगल का सप्लीमेंट है, या ये एंगल इसका सप्लीमेंट है। हम एक्सरसाइज से इसकी यहाँ पे फिगर से भी हम बता सकते हैं, अगर ये जैसे हमने यहाँ पे दिस इज वर्टेक्स डिनोटेड बाय ओ, इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, और एक लाइन यहां से लेंगे हम, ये लाइन दो एंगल्स बनाती है यहां पे, और इफ दिस एंगल इज 35 डिग्री एंड दिस इज 55 डिग्री, तो द सम ऑफ दीज टू एंगल्स व्हेन एडेड, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड वन अमंग दिस, से फॉर एग्जाम्पल 35 कैन बी is the complement of 55 degree and 55 here is the complement of 35 degree। तो ये तो आ गया complementary angle। दूसरा है supplementary angle क्या है? If the sum of two angles is 180 degree, then they are said to be supplementary angles।
एंड ईच ऑफ देम इज कॉल्ड, जो अभी हमने उसमें लिखा था, ईच ऑफ देम इज कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ, सप्लीमेंट ऑफ द अदर. इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स का जो प्लस करते हैं हम सम करते हैं, इफ दैट बिकम्स 180 डिग्री दीज एंगल्स, देन दे आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री एंगल, उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. और हर एक उसमें से दूसरे का सप्लीमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे यहाँ. इफ दो पॉइंट्स, अगर ये एक आर्म है इसमें, और से विल मार्क ए पॉइंट हियर दैट इज सी, और फर्ज करते हैं कि दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री. अब इनको हम एंगल वन एंड एंगल टू, और दिस 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री 160 और 120 डिग्री दैट इज 180 डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, बिकॉज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स वन एंड टू दैट इज 180 डिग्री, सो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड ईच ऑफ देम इज सप्लीमेंट ऑफ द अदर. फॉर एग्जाम्पल 60 इज द सप्लीमेंट ऑफ 120 एंड 120 इज द सप्लीमेंट ऑफ 60. तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने आप ये तो हो गया क्लियर कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, तो इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे. एक्सरसाइज 5.1, चैप्टर 5 है ये, लाइंस एंड एंगल्स का. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, तो ईजी क्वेश्चन है आपके, अब ईजी हो भी जाएगा क्योंकि आपको पता चल गया है कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द कम्प्लीमेंट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. तो फर्स्ट पार्ट इज यहां बना हुआ है, दैट इज 20 डिग्री. सेकेंड इज 63 डिग्री एंड थर्ड इज 57 डिग्री. सो वी हैव टू फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमने बोला कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हैं जहां दो एंगल्स का सम मिला के 90 डिग्री हो, तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और एक दूसरे का कंप्लीमेंट कहलाता है, एक एंगल दूसरे उस एंगल का कंप्लीमेंट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास अब यहाँ कंप्लीमेंट्री, इसका कंप्लीमेंट ढूंढना है, तो हमें सबसे पता ये, पहले पता ये है कि दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तब जाके वो आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. अब अगर हमें कंप्लीमेंट ढूंढना है 20 डिग्री का, इसका सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास एक प्लेन पे एक एंगल है 20 डिग्री, तो बाकी हमें ढूंढना है इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कितना है, इसका कंप्लीमेंट कितना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये टोटल 90 डिग्री है, ये यहां पे टोटल 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे दिस 90 डिग्री माइनस जो हमारे पास है दैट इज 20 डिग्री. तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे 90 माइनस 20 दैट इज 70 डिग्री, सो 70 इज द कंप्लीमेंट ऑफ दिस 20. ये आंसर है इसका. और दूसरा, अभी यहां पे आपने देखा 63, अगर हमारे प्लान पे 63 डिग्री है तो पूरा इधर से हम देखेंगे, इधर से हम 90 कर लेंगे इसका, ये पूरा 90 है. अब 90 में से 63 हमारे पास है, बाकी ढूंढना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री दैट इज इक्वल टू 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7, यहां 8, 8 में से 6 और 2, तो 27 डिग्री इज द कंप्लीमेंट ऑफ 63. ये यहां पे 27 डिग्री इज द कंप्लीमेंट ऑफ 63. और इसी तरह यहां पे 57 लिखा हुआ है, तो इसका अगर सॉल्यूशन हम करेंगे, इसके सॉल्यूशन में यही है
जैसे आपने ये देखा, आप खुद भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। टोटल 90 में से, टोटल 90 में से 57 है, 57 तो दिया हुआ है, तो अब कितने रहे? ये सारा 90 है, उसमें से 57 है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल्स, इफ इट इज 90 डिग्री देन दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम करेंगे ऐसे, 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री, आप देखेंगे 10 में से 7 और 3, और यहां 8 रहा, 8 में से 5 और 3, सो 33 डिग्री निकला हमारा। अगर एक एंगल 57 डिग्री है तो इसका कंप्लीमेंट निकला हमारा 33 डिग्री, ये 33 डिग्री निकला इसका 57 का कंप्लीमेंट। तो इसी के साथ साथ हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी, एक क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल का भी करेंगे। तो कंप्लीमेंट्री का तो हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल का एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। So, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ लिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो हैं जिनका दो एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इन ए प्लेन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड ईच ऑफ देम विल बी कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ द अदर। जैसे यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि अगर दो एंगल्स का सम किसके बराबर है, 180 के बराबर। हम रखते हैं 100 डिग्री और 80 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एंगल हैं, अगर इनका सम जो है वो 180 के बराबर है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और ये 80 डिग्री सप्लीमेंट है 100 डिग्री का, और 100 डिग्री सप्लीमेंट है 80 डिग्री का। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, फर्स्ट पार्ट है इसका, 105 डिग्री दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि फाइंड द सप्लीमेंट। तो हम सॉल्यूशन में इसके लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू यहां लिख देते हैं इज इक्वल टू। तो सीधी सी बात है, पूरा अगर यहां तक ले जाएंगे, अगर पूरा यहां तक ले जाएंगे तो ये 180 डिग्री है, ये एंगल 180 डिग्री है। तो इसमें से क्योंकि हमें 105 दिया हुआ है, तो हम करेंगे 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 10 में से 5 और 5। यहां 10 में से 5 और 5, यहां रह गया 7, तो 7 में से 0 और 7, 1 में से 1 और 0, दैट इज 75 डिग्री। सो दिस 75 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 105 क्योंकि इस तरफ है, 75 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ 105, द सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इज 75 डिग्री। इसी तरह दूसरा हमारे पास ये पार्ट थर्ड है, तो इसमें भी देखते हैं, क्योंकि दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, दैट इज दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब हमें उसमें से एक एंगल दिया हुआ है 154, सो हम लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री विच इज इक्वल टू 180, तो टोटल हो गया, उसमें से 154 है हमारे पास, तो यहां जो निकलेगा वो दूसरा एंगल होगा, वो इसका सप्लीमेंट होगा 154 का। 0 में से 4 नहीं निकल सकता, दैट इज 10, 10 में से 4 निकाले 6, यहां रह गए 7, 7 में से 5 और 2, 1 में से 1 और 0, सो दिस 26 इज अ सप्लीमेंट ऑफ 100, 26 डिग्री इज अ सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसके आगे के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पहले समझा, और उसके बाद हमने थोड़ी सी इस पे एक्सरसाइज की। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।